हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल टेस्ट के अड्डे पे। तो देखिए, आज बनाने जा रही है लहसुन की चटनी। तो लहसुन, ये लहसुन ले लिया छील के, और ये ले लिया 4-5 रेड मिर्च। तो ये रेड जो हरी वाली मिर्च आती है वो ही रेड है, ताज़ा मिर्ची है। तो इसको क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। तो कोई भी आप साइज में कट कर लीजिए, और इनके जो भी बीज है बीच में वो बीज हटा देना है। क्या अगर बीज खाने में भी अच्छा नहीं रहता है और फायदेमंद नहीं होता है, तो बीजों को बीच में से हटा देना चाहिए। और ये मिर्ची तीखी नहीं होती है, बहुत ही कम तीखी होती है। तो इसकी लहसुन की चटनी बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयारी होती है, और बहुत ही कम समय में आप ये चटनी बना के तैयारी कर सकते हैं। तो ये देखिए, बीज हटा दिए, अब इसके अंदर डाल देते हैं लहसुन। तो लहसुन आप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक चम्मच डाल देते हैं इसमें अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर नहीं है तो आप एक चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर डाल देते हैं स्वाद के हिसाब से नमक। तो नमक देखिए, आप जैसे खाते हो उस हिसाब से डालिए। और इसमें डाल देते हैं एक चम्मच जीरा, और ये डाल के चटनी पीस की तैयारी कर लिए। तो ये देखिए, बहुत ही एकदम महीन फाइन पाउडर पीस की नई तैयारी किया है। मिर्ची का एकदम हल्की हल्की दरदरी सी होनी चाहिए। तो इसका कलर देखिए कितना अच्छा है, आप ऐसे भी इनको खा सकते हैं, पर थोड़ी सी इनको क्या और टेस्टी बना लेते हैं। तो और टेस्टी बनाने के लिए एक पैन ले लिया, इसमें डाल दिया देसी घी। तो आप घी या तेल में जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से आप मिर्ची को कर सकते हैं फ्राई। तो ये घी डाला है, घी गर्म हो गए, अब इसके अंदर डाल देते थोड़ी सी हींग और राई, जो सरसों दाने होते वो डाल दिए इसके अंदर। अब थोड़ा सा डाल देते जीरा, ये सारी चीज़ डाल की और चटका लेते हैं। तो ऐसे करने में कि बहुत ही कम समय बन जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो सब्जी के साथ, कोई भी आप सब्जी के साथ, दाल के साथ, कट्टी के साथ आप खाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब देखिए, जीरा और ये चटक गया, अभी डाल देते मिर्च। और मिर्च डाल के ज़्यादा आपको पानी नहीं डालना है। आप जब पानी डाल भी रहे हो तो एकदम हल्का सा आपको पानी डालना है, नहीं आप ऐसे ही फ्राई कर लीजिए, पानी मत डालिए। या आप मिक्सी को धो के हल्का सा पानी डालिए, ऐसे आप ये चटनी बना के आप स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही काफ़ी समय तक आप इसमें जो वाइट विनेगर आता है सिरका, वो डाल दीजिए थोड़ा सा, फिर आप काफ़ी समय तक ये स्टोर करके आप चटनी को रख सकते हैं। तो ये देखिए, चटनी को जब तक पकाना है आपको रखना है। तो इसमें तेल डाल रहे हो तो तेल थोड़ा ज़्यादा डालना है, जैसे चटनी के ऊपर तेल आना चाहिए इतना। स्टोर करके रख रहे हो तब, नहीं स्टोर कर रहे हो खाने के लिए बना रहे हो तो देखिए, जैसे मैं बनाई अब इसमें कम घी डाल के ये चटनी को अच्छे से फ्राई कर लिया, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही अच्छी इसके अंदर खुशबू आ रही है। तो ऐसे चटनी बना के तैयारी कीजिए और खाइए, और बहुत ही टेस्टी लगेगी। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो तब भी वीडियो डालती हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। और कोई भी आपके डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।